वहीं ग्वालियर जिले में लगातार बढ़ रही लूट, चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा है कि सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण में ही अपराधी तत्वों के द्वारा इस तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और सत्ताधारी पार्टी ने संरक्षण दे रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा है कि क्योंकि चुनाव का समय नजदीक है, इसलिए सत्ताधारी पार्टी के द्वारा आपराधिक लोगों की मदद की जा रही है, जिससे चुनाव में उन्हें वे लोग फायदा पहुंचा सकें। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी तरीके से जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध और अपराधियों को पकड़ने के लिए विरोध प्रदर्शन करती आ रही है और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। रहा है और आप भी जानते हैं कि क्राइम कब बढ़ता है, जब सत्ताधारी लोग ऐसे तत्वों को संरक्षण प्रदान करते हैं। ये सत्ताधारी लोगों को समझना चाहिए कि हम गलत लोगों को संरक्षण प्रदान ना करें।